हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ अकेडमी। आज हम लोग और एक डीआई पैटर्न का प्रॉब्लम करने वाले हैं। दिस इज बेसिकली अ चार्ट, ठीक है। एक चार्ट भी प्रॉब्लम भी आता है एसएससी में कभी कभी। सो मैंने आपको तरह तरह की पैटर्न आपको समझाया है, तो प्लीज़ डू वॉच ऑल दोज वीडियोज वो प्रोसीडिंग, ठीक है। सो चलिए, और एक प्रॉब्लम है, ये चार्ट वाला प्रॉब्लम। सो देखिए, क्वेश्चन ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें सब्जेक्ट्स है, दैट इज बेसिकली इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, और ये है साल। सो साल दिया हुआ है 93 टू 96, और हाईएस्ट और एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। एंड इन रिस्पेक्ट टू दैट ऑल दिस क्वेश्चंस फॉलोज। फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज ऑफ मार्क्स इन द फोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, इन द ईयर 1995। पूछा गया कि 1995 ईयर में ओवरऑल एवरेज मार्क्स क्या है इन द फोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो 95 में आप देख सकते हैं एवरेज क्या है, 56। मैथ्स में एवरेज क्या है, 68। सो इन सब एवरेज को आप सिंपली ऐड करके उसका एवरेज निकाल लीजिए। सो 56, मैं यहाँ कर रहा हूँ 56 प्लस मैथ्स में एवरेज क्या है, 68, ठीक है। साइंस में एवरेज क्या है, 68, और सोशल साइंस में एवरेज क्या है, 48, ओके। सो डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो अगर आप ये करें तो आपका आंसर आ जाएगा 60। सो ऑप्शन डी इज माई करेक्ट ऑप्शन, ऑलराइट, ओके। So moving on to the next question. The next question says, supposing there were 40 students in science. Okay. Science. Okay. So suppose there are 40 students in science in the year 1995. How much total of marks did they receive combined together? So 40 students in science. So science kya hai? Ye. Okay. Ab बोला गया है कि और 40 स्टूडेंट साइंस में ऐड हुआ है इन द ईयर 1995, ठीक है। सो इस साल में 1995 में और 40 स्टूडेंट्स ऐड हुआ है। अब बोल रहा है कि हाउ मच टोटल ऑफ मार्क्स डिड दे रिसीव कम्बाइंड टुगेदर। अब सब मिला के साइंस में 1995 में कितना मार्क्स आया। सो बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग द एवरेज मार्क्स। अगर 40 स्टूडेंट्स ऐड हुआ साइंस में, सो बोल रहा है कि सब स्टूडेंट्स को मिला के कितना मार्क्स आ सकता है। तो आप देख सकते हैं 1995 में, ठीक है, एवरेज मार्क्स क्या था, 68, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, 68 साइंस में एवरेज था और 40 स्टूडेंट्स और ऐड हुआ है, ठीक है। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो 68 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू 2720। सो दिस इज द ओवरऑल मार्क्स दैट इफ 40 स्टूडेंट्स गेट एडेड, दिस विल बी द रिजल्ट। सो 2720 इज माई करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स वाज मैक्सिमम। सो बोला गया है कि आपको डिफरेंस निकालना है किसके बीच में हाईएस्ट एंड एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स। सो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यह है। सो हर साल का मतलब हाईएस्ट और एवरेज मार्क्स दिया हुआ है। सो आप सिंपली डिफरेंस निकालिए और जिसका हाईएस्ट आएगा वो होगा आपका आंसर। सो आप यहाँ से कर दीजिए। देखिए 93 में मेरा हाईएस्ट मार्क्स था 94 इन मैथमेटिक्स और एवरेज मार्क्स था 60। सो 94 माइनस 60 आपका आता है 34, ठीक है। अगर आप करें फिर 85 इन द ईयर 94, आप देख सकते हैं 85। सो 85 माइनस 62 कितना आता है आपका, 23, ठीक है। फिर आप करिए 92 माइनस 68 कितना आता है आपका, 24, ठीक है। फिर आप करिए 91 माइनस 64 कितना था आपका, 27। सो बोला गया है कि हाईएस्ट। सो कौन सा ईयर में हाईएस्ट था, देख सकते हैं आप 34, ठीक है। सो 34 कौन साल है, 34 इज माय ईयर 1993। ये है मैथमेटिक्स। सिंपली हाईएस्ट और एवरेज को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मतलब डिफरेंस निकाला, जिसका हाईएस्ट आएगा उस साल पूछा है कौन सा साल में। सो 1993 क्लियरली आप देख सकते हैं। सो 1993 इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड एवरेज मार्क्स इन सोशल साइंस वाज लीस्ट। सेम क्वेश्चन फॉलोज, ठीक है। अब पूछा गया है कि सोशल साइंस में, सो इन दोनों का आप मतलब डिफरेंस निकालिए सेम वे में। सो आप अगर आप डिफरेंस निकाले तो आप देख सकते मतलब ईयर 1994 में लीस्ट था, ठीक है। सो माई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1994, ठीक है। सो ये मैं टोटली एसएससी सीएचएसएल का पेपर से ही मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। ये टोटली बोर्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब एसएससी के पैटर्न अनुसार।
So I will upload more videos on this topic, okay, or be chapter wise. So please stay tuned and subscribe, and don't forget to like this video. Thank you. Thanks for watching.